अंतर्राष्ट्रीय सत्यशोधक समाज के तत्वावधान में मध्य प्रदेश ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा महान सम्राट अशोक मौर्य की 2323वीं जयंती मनाई गई। इस समारोह में अंतर्राष्ट्रीय सत्यशोधक समाज की ओर से प्रदेश संयोजक हुकुमचंद यादव, प्रदेश ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव यादव काका, प्रदेश अध्यक्ष दीपक मलोरिया रानू, जिला अध्यक्ष अशोक नालिया एवं नगर अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में शनिवार सुबह 10 बजे इंदौर में विशाल पैमाने पर महान सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। ओबीसी मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव यादव काका ने बताया कि इंदौर में MR10 से चंद्रगुप्त मौर्य चौराहा पर उनकी प्रतिमा के समक्ष महान सम्राट अशोक मौर्य के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। यहां पर वक्ताओं ने सम्राट अशोक की महानता को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर इंदौर में महान सम्राट अशोक मौर्य की प्रतिमा लगाने की भी मांग की गई। जयंती समारोह में सत्यशोधक समाज के प्रदेश सचिव दिनेश चौहान, राजेंद्र गोमे, शांतिलाल सैनी, राम भरोसे मौर्य, विकास यादव, आकाश यादव, जयसवाल पूनम, आनंद मोर, राम गोपाल, आकाश पाल, अशोक यादव, कृष्णा यादव, महेश शर्मा, सर्वेश मौर्य, महेश बुड़ान, कपिल सिंह चौहान, राजेंद्र यादव, रुपेश गोयल, पप्पू साहू आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। ये हमारे अखंड भारत के महान सम्राट चक्रवर्ती विश्व के एक तिहाई बहुमत करने हुकूमत करने वाले सम्राट अशोक मौर्य की हम जयंती मना रहे हैं। और ये जयंती इसलिए मनाई जा रही है कि देश में से अशोक मौर्य का कार्य और अशोक मौर्य के निशान और जो उनके कार्य क्षेत्र है वो धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इस देश के अंदर पहली बार, मतलब 15-20 जगह मनाई जा रही है, तो हमने इंदौर शहर में मनाई कि भाई कम से कम हमारे जो वंशज हैं, यहाँ जाति विशेष नहीं है, क्योंकि मौर्य का जब शासनकाल था तब जाति नहीं हुआ करती थी। अशोक मौर्य ने सबके लिए काम किया और उस समय तो बड़े ही हुआ करते थे, माली हुआ करते थे, धोबी हुआ करते थे, यादव हुआ करते थे, ऐसे हुआ थे, जाति नहीं थी। जाति तो उनके मौर्य वंश के शासनकाल के जाने के बाद में बनी, ऐसा मेरा मानना है। हमारे मानना है कि जिस तरीके से चंद्रगुप्त अशोक मौर्य जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, इससे पिछड़े वर्ग के सभी लोगों को यहाँ पर आए हैं, जिस तरीके से मौर्य जी का चिन्ह चुनाव बड़ा है उस तरीके से उसका नाम छोटा करा जा रहा है। सभी वर्ग को ध्यान देने कर इंदौर के अंदर एक ऐसे चौराहे पर अशोक का जो इस तरीके से नाम चल रहा है उस तरीके से उसकी मूर्ति या फोटो या चिन्ह लगाया जाए, इसके लिए सब जन इकट्ठे हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा सम्राट अशोक इस इंदौर नगर में जिनके 24,000 स्तूप थे, एक स्तूप इंदौर में इनका है जो आजकल नष्ट कर दिया गया है, RSS द्वारा कब्जा कर लिया गया, फिर उसका एक भाग है जिसमें माननीय श्री जोगी जी ने अतिक्रमण हटवा करके एक स्टैचू बनवा दिया था कि ये सम्राट, और वो स्टैचू जो है उतना भाग जो है आज भी उसमें इसी इंदौर के होलकर स्टेट के में भारतीय स्तूप के नाम से है। इसकी खोज के लिए हमारे दल ने उत्तर प्रदेश से यहाँ पर एक बार पदार्पण किया था। डॉक्टर भीमराव विश्वविद्यालय में जाने के बाद एक लाइब्रेरियन के सहयोग से उस स्थान का पता चला। संगीत कला अकादमी के पीछे दो नदियों का संगम है। माननीय श्री रियासतदार मंडलोई की कोठी के सामने आज भी स्तूप है। वहाँ पर मराठी लोग अपने आराध्य देव भगवतम बुद्ध की पूजा करते हैं। सम्राट अशोक की लाट है। सम्राट अशोक के 24,000 स्तूपों में से एक इंदौर में है।